हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और स्वागत है आप सभी का रूबी फैमिली चैनल में। यहाँ पर इवनिंग का समय हो रहा है, इधर देखिए मौसम भी ख़राब हो चुका है, इसी चलते मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ। कभी भी इधर बारिश शुरू हो जाता है। झारखंड में मौसम मानसून आ चुका है। चलिए सारे कपड़े को उतार लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर का मौसम फिर से बिगड़ चुका है, बारिश होने वाला है। सारे कपड़ा उतार लिए हैं, चलिए अब घर में। इतना सारा आज कपड़ा धोए थे, अब सबको फोल्ड करना है। बच्चे लोग का बैग देखिए। इवनिंग का समय हो चुका है, 6:12 हो रहा है। अब जा रही हूँ, अब शाम का दिया बाती कर लेती हूँ। बेड वगैरह सब सेट हो चुके हैं इवनिंग का। देखिए कपड़ा भी फोल्ड करके अलमारी पर सेट कर दिए हैं, बस अब दिया बाती करना है। चलिए दिया बाती कर लेती हूँ। दिया बाती हो गया है, चलिए अब एक कप चाय बना लेती हूँ। अब मौसम तो इधर बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो चुका है, अभी भी बारिश हल्का फुल्का हो रहा है बाहर और हवा बहुत तेज चल रहा है। चलिए सबसे पहले एक कप चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद डिनर वगैरह बनाने के लिए सोचती हूँ क्या आज डिनर में बनाऊँगी। चाय मेरा बन गया है, इसी में थोड़ा सा दूध था तो इसी बर्तन में मैं चाय बना ली हूँ। चाय बन के तैयार है, चलिए गैस बंद कर देते हैं। चाय बन के तैयार है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। जा रही हूँ डिनर बनाने। आज डिनर में बनाऊंगी सत्तू का लिट्टी। मौसम भी बहुत अच्छा किए हुए, ठंडा ठंडा, इसी चलते सत्तू का लिट्टी आज बनाऊंगी। यहाँ पर प्याज कट कर लिए हैं, लहसुन भी कट कर लिए हैं, और मिर्चा भी कट कर रहे हैं। उसके बाद में लिट्टी के साथ आज मैं जा रही हूँ ये वाला चटनी बनाने। टमाटर और प्याज और लहसुन और हरी मिर्च का आज मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि बैंगन तो घर में है नहीं, भंटा कि उसका मैं चोखा बना, इसी चलते जो घर में है उसी का मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। और इसका चटनी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मैं इसे एक बार आओ बना के खा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ही ये लाजवाब चटनी है। और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाइएगा तो इसमें तो और ज़्यादा ही ये अच्छा और टेस्टी लगता है। चलिए इसका चटनी बना लेती हूँ, एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है, टमाटर प्याज लहसुन और हरा मिर्च ये सब डाल के आप चटनी बनाइएगा। इसमें हल्का सा तेल भी ऐड कर दीजिएगा और नमक भी, नमक स्वाद अनुसार ऐड करके साथ में ही मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए यहाँ पर लिट्टी बना लेती हूँ। ये देखिए ये बन के भी तैयार हो चुका है, देखिए एकदम कचौरी की तरह ये फूल गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। इधर में सब धीरे धीरे भर के रखते जा रही हूँ और फटाफट से इसे तल लूँगी। यहाँ पर देखिए अब डिनर लगा देती हूँ, ये लोग सब खा लेंगे, मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए सत्तू का लिट्टी और चटनी, अब बहुत ज़्यादा ही ये खाने में टेस्टी लगा था। यहाँ पर
पर खाना वाना सब हम लोग का हो गया है, रात का डिनर। अब आ गई हूँ किचन में, किचन क्लीन करने। सबसे पहले गैस को साफ कर लेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी बर्तन धोने। चलिए किचन को क्लीन कर लेते हैं। बर्तन हो गया है, चलिए सिंक को साफ कर लेते हैं। इसके सिंक के साथ में टाइल्स वगैरह को भी हमेशा साफ करते रहती हूँ। जब बर्तन धोती हूँ उसी समय टाइल्स को भी साफ कर लेती हूँ, और सिंक को भी ऐसे ही हमेशा चमकता रहता है और साफ दिखता है, और दाग वगैरह टाइल्स वगैरह पर नहीं बैठते हैं। साबुन वगैरह के उजले उजले धब्बे जो बैठ जाते हैं, ऐसे साथ के साथ क्लीन करते रहिएगा तो आपका किचन हमेशा साफ दिखेगा। और ये काम मैं डेली करती हूँ, जब मैं बर्तन धोऊंगी, जब मैं टाइल्स वगैरह को बिना साफ किए हुए नहीं रहती हूँ, ऐसे मेरा टाइल्स हमेशा नए जैसे चमकते रहता है। मेरा रात का क्लीनिंग खत्म हो गया, किचन क्लीनिंग। ये बर्तन भी धुल चुका है, बर्तन को यहीं पर मैं छोड़ दूंगी रात भर। इसमें से पानी अच्छी तरह से गिर जाएगा तो सुबह में उठ के टोकरी में बर्तन को रख दूंगी। और देखिए मेरा गैस भी साफ हो गया है, और रात में ही मैं ये सब काम करके सोती हूँ कि सुबह उठिए, और बच्चे लोग को स्कूल भी जाना रहता है, सुबह उठ के किचन साफ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है और मूड भी फ्रेश रहता है। आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट आप सभी को, बाय बाय फ्रेंड्स।